तेलंगाना के वजीर आला केसीआर की योम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड मेंबर वहीद अहमद और दीगर ने मिलकर दरगाह हजरत यूसुफैन की जियारत करते हुए उन्हें चादरे गुल पेश की। वहीद अहमद ने मीडिया से बात करते हुए पुलवामा में पेश आए सीआरपीएफ के काफिले की हलाकत पर गम का इजहार किया। आज क्योंकि सबसे ज्यादा दो दिन से पूरे मुल्क में पुलवामा के वाकये कश्मीर के वाकये पर हम बिल्कुल सादगी के साथ गम के माहौल में इस मुल्क पूरा गम के माहौल में दौड़ रहा है क्योंकि सभी लोग फौजी जवानों की हलाकत पर गमजुदा हैं और हम भी उनके बराबर शरीक हैं। साथ ही साथ आज हमारे तेलंगाना रियासत में तेलंगाना रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की तैसठवीं पैदाइश वाला दिन है। इसको हम बिल्कुल सादगी के साथ हमने पौधे लगाए, उनके लिए खुसूसी दुआ की और गुरबा में भी कुछ कपड़े तकसीम किए। यहाँ सिर्फ हमारा मकसद एक सादगी के साथ अमन के साथ रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब को दुआओं से नवाजने का मकसद है और हमने खुसूसन दरगाहों में बारगाहों में जाकर भी वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया। हमारा मकसद अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह इस रियासत के वजीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब की उम्र में दराजी अदा करे और लंबे लंबे और हर कदम पर उनको कामयाबी से नवाजे। और हमारी यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान में जैसा तेलंगाना रियासत में हमें चीफ मिनिस्टर साहब जो तोहफे में मिले हैं केसीआर साहब, इसी हिसाब से हमारी दुआएं उनके साथ है कि हिंदुस्तान में मुल्क पर भी एक ऐसा ही वजीर आजम बने जैसे कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब बने हैं, जैसे उन्होंने तेलंगाना को पिछले 4.5 साल में तरक्की दी है। हम चाहते हैं कि मुल्क का वजीर आजम कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब जैसी